दरअसल गाजियाबाद की घंटाघर कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जो जिनके पास से ये पता चला है कि ये फोन करके ठगी का पूरा गिरोह चला रहे थे। और इन्होंने एक कोचिंग क्लास चलाने के बहाने किराए पर जगह भी ली हुई थी घंटाघर के पास ही, और वहां से ये पूरा बड़ा कॉल सेंटर चला रहे थे। करते क्या थे, इनका तरीका क्या था काम करने का, कि ये उन लोगों की डिटेल्स दिल्ली से इन्होंने कहीं से निकाल ली थी जिन्होंने कहीं ना कहीं लोन के लिए आवेदन दिया हुआ है, और उसके बाद ये रैंडमली किसी नंबर पर फोन करते थे और उनसे कहते थे कि भाई 15 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा। तो फिर आदमी खुश हो जाता था कि यार मैं तो इतने दिन से परेशान हूँ, लोन नहीं मिल पा रहा था, चलिए कंपनी आ गई, ये लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर ये लोग क्या करते थे, उसके बाद उसको विश्वास दिलाने के लिए, जाल में फंसाने के लिए, कंपनी के लेटर हेड पर एक कोई कंपनी बनाई हुई थी जिसके नाम से ये पूरा गिरोह चल रहा था, फाइनेंस कंपनी बनाई हुई थी जिसके जरिए ये भरोसा दिलाते थे कि हम ऑथेंटिक कंपनी हैं और लोन दे देंगे। ये लेटर हेड एक भेजते थे कि लोन अप्रूवल लेटर हेड, जिसके जिसको भी लोन लेना होता था उसके पास ये तुरंत लेटर हेड भेज देते थे, उसको भरोसा हो जाता था कि हाँ एकदम सही कंपनी है। उसके बाद ये क्या करते थे, 12,500 रुपये जो है ये प्रोसेसिंग फीस लेते थे पहले ही, लोन दिया नहीं, पहले ही प्रोसेसिंग फीस ले ली कि इतना पैसा जमा कर दीजिए, उसके बाद आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा और आपको जितना भी चाहिए आपके अकाउंट में चला जाएगा। बस यहीं पर गलती हो जाती थी, आदमी इस चक्कर में पैसे देता था कि हमको लोन मिल जाएगा, वो 12,500 रुपए जैसे ही अकाउंट में जाते थे ये लोग अपना फोन बंद कर देते थे और बस रफू चक्कर। फिर आप कहां पर, आप पुलिस के पास जाइए, आप इधर जाइए उधर जाइए, कुछ नहीं होता था। खैर पुलिस के पास जाने का जब कई लोगों के साथ ऐसा हुआ तो फायदा भी हुआ, साइबर सेल ने फिर सारी चीजें ट्रेस की, ट्रैक की, तब पता चला कि ये चार लोगों का एक पूरा गिरोह है और घंटाघर के पास ही पूरा गिरोह चल रहा है कॉल सेंटर्स। और लगभग ये भी खबर आई है कि 500 से ज्यादा लोगों की डिटेल्स भी इनके पास जो मोबाइल फोन्स मौजूद थे उनसे मिली है, और साथ ही साथ 800 से ज्यादा लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी इन लोगों के पास से मिले हैं, और लाखों करोड़ों की ठगी अभी तक ये कर चुके हैं। खबर यही आई है कि 1,000 से ज्यादा लोगों को ये लोग ठग चुके हैं। तो फिर भाई आप भी सावधान हो जाइए, कोई ऐसा कभी भी फोन आए तो बिल्कुल भी एक बार में भरोसा मत कीजिएगा, पूरी तसल्ली के बाद ही भरोसा कीजिएगा, और लोन अगर लेना है तो कोई जो ऑथेंटिक बैंक हैं, जो नामी बैंक हैं, वहीं पर जाइएगा। इस तरीके से फोन पर कोई भी आपको लोन नहीं देगा, तो इस चीज को समझिएगा और थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।